22,800 एक रेजिस्टेंस, एक पड़ाव है, तो 22,765 रुपये तो मैं खुली रहा हूँ, तो मेरा रिस्क नहीं बनता। मैं थोड़ा वेट करूँगा 22,650-500 तक आने की, उसके फिर सोचेंगे क्या किया जा सकता है। सेम बैंक निफ्टी पर, जरा बैंक निफ्टी भी दिखाई कीजिएगा। सेंसेक्स ना कोई ट्रेड नहीं करता है, तो अगर आप स्क्रीन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉम्बो चलाएंगे ना मार्केट ओपन के अंदर, वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय सेंसेक्स। सेंसेक्स कौन ट्रेड करता है? आप सब में से एक आदमी हाथ खड़ा करके बताए जो सेंसेक्स ट्रेड करता है। खैर एनी हाउ, तो आज बाजार के अंदर बढ़ने और गिरने वाले शेयर की अगर आप संख्या भी देखेंगे ना, तो वो भी थोड़ी बेहतर आपको मिलेगी। और बढ़ने वाले शेयरों में आपको जो बड़े बड़े शेयर हैं, मैं उसकी एक बार लिस्ट बता देता हूँ। एक्सिस बैंक, जिसमें ब्लॉक डील भी हुआ है, 1% इक्विटी का हाथ बदला हुआ है। आईशर, इंफोसिस, आगे इंफोसिस ऊपर, BPCL और भारतीय एयरटेल, ये कुछ एक बड़े शेयर हैं जो आज आपको खुल के दिखते हुए दिख रहे हैं। ONGC, टेक महिंद्रा, SCLTech, यहाँ पर आपको ट्रेड थोड़ा नेगेटिव दिखेगा। स्टार्टिंग में 1300 शेयर बड़े गैप अप के साथ मार्केट ने ओपन किया, जो 90 पॉइंट का गैप था सीधा कट मार के 62 पॉइंट पे ले आया है। और आपको अलग अलग लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। सेंसेक्स करीब 220 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी के अंदर 48,650 का लेवल है। बैंक निफ्टी के अंदर जो बढ़त है वो एक तो ज़्यादा भी नहीं थी और थोड़ा रुकेगा भी, तो थोड़ा क्लियरली आपके सामने जो तेज़ी है वो साफ साफ हम दिखाते हुए कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ में। आज इंडाइसिस में मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है, मैं तो वेट ही करूँगा, और मेरे को तो किसी तरह का कोई एक्साइटमेंट अभी दिख नहीं रहा, मेरे लिए वेट एंड वॉच होगा। ठीक जी, 48,500 के भी नीचे जाके मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को बैंक निफ्टी मिल जाए तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो बैंक निफ्टी को भी मैं देख के लूँगा। आज सेंसेक्स ने 75,000 का अपना हाई भी टेस्ट किया, ये बात सिर्फ नोटिस करने वाली है, वो मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। सभी के सभी अपने रिकॉर्ड्स तौरों पर खुले हैं, ये तो नीचे टिकर टीम ने डाल दिया। आते हैं जरा एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक जरा स्क्रीन पे दिखाइए, आज बढ़त उसकी आई है। आईशर है, इन्फोसिस है, BPCL है, भारतीय एयरटेल है, ये कुछ एक वो शेयर है जहाँ पे शुरुआती बढ़त आपको देखने को मिल रही है। इसमें आप टाटा मोटर्स को भी जोड़ सकते हैं। तो आज ऑटो का, IT का और काफ़ी हद तक बैंक के इक्का दुक्का शेयर्स का आज दिन काफ़ी ठीक लग रहा है। एक बार जरा स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स दिखाएंगे क्या, वो कितने बड़े गैप के साथ है, एक बार जरा चेक उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ना उनको वापस से चेक करने की ज़रूरत है, आपको मार्केट का थोड़ा और मोमेंटम पता लगेगा। तो स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स दिखाएं। यस, ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही, कुछ ज़्यादा बड़ा परसेंटेज में नहीं मिला, बड़ा गैप नहीं मिला, कहने का मेरे मतलब ये है। इसी तरह से स्मॉल कैप का भी इंडेक्स है, जैसे मिड कैप लिखते हैं ना SES, ये 0.5% ऊपर है। ठीक है, बस यही मेरे को एक चेक करवाना था। दूसरा और जो बढ़ने वाले शेयर है, मैं निफ्टी से हटकर निफ्टी 100 पे आ जाऊँ, तो वहाँ पे आपको दिखेगा गेल, आज संजीव भसीन की कॉल थी है। इसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस है, REC है, कल ये लूज़र था, आज चल गया वापस से। इसके अलावा आज जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करवा रहे हैं उसमें ONGC है, बजाज होल्डिंग है और मैकडॉवल्स है, यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स है। हमारे में ना मेहमानों के जो ट्रेड है ना, एक बार जरा वो भी स्क्रीन पर स्टार्टिंग में दिखाओ। पहले वैशाली की कॉल्स दिखाना, GSW स्टील, KPI ग्रीन्स, फिर दिव्यानी दिखाना, आरती इंडस्ट्रीज दिखा सकते हो, वो जरा दिखा सकते हो तो वो दिखाना, MCX, रेनबो चिल्ड्रंस, ये भी अगर दिखा सकते हो तो ये भी दिखाना। थोड़ा स्पीड से फायर कीजिएगा, ये ज़्यादातर शेयर्स मैं आपके स्क्रीन पर इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि जिन शेयरों का मेहमानों ने कॉल्स दी है उस समय उनकी क्या सिचुएशन है। ठीक, तो कुल मिला के मार्केट का ठीक ओपनिंग है, गैप के बाद ओपनिंग है, लेकिन गैप के बाद का जो मोमेंटम चाहिए वो पूरी तरह से एब्सेंट है। एक बार जरा बैंक निफ्टी वापस से दिखाइए, बैंक निफ्टी दिखाइएगा 48,600 पे, ये भी 80 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, डन, तो अब वेट करते हैं, अभी हमारे पास तो कोई ट्रेड नहीं। ग्लैंड फार्मा पे हमको एक कल आपके सामने इन्फॉर्मेशन साझा की थी कि एक ब्लॉक लगेगा, वो लग गया है, ये 5.3% का एक ब्लॉक लगा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे हैं ग्लैंड फार्मा पे भी। हीट मैप दिखाइए, उसके फिर हम छोटे मझोले शेयर्स के साथ साथ ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। आज छोटे मझोले शेयर नहीं भी लेंगे तब भी चल जाएगा, ओपनिंग के ट्रेड ले लेंगे तो काम बन जाएगा। एक बार जरा हीट मैप दिखाइए स्क्रीन पर, तो आपको दिखेगा ज़्यादातर स्क्रीन आप बढ़िया दिख रही है बिकॉज ऑफ गैप अप। टाटा मोटर्स आपको ऊपर दिख रहेगा, इन्फोसिस अब आपको ऊपर दिख रहा है, हीरो मोटोकॉर्प ऊपर आपको दिख रहा है, बजाज ऑटो आपको दिख रहा है, M&M आपको दिख रहा है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि ऑटो का इंडेक्स ठीक है। और सेकेंड डे है जब ऑटो के अंदर मोमेंटम आ रहा है। ठीक, सेकेंड UPL भसीन साहब बता के गए थे इसका बेस बना हुआ, हमने भी कई बार आपको नोटिस कराया, इस रेट से UPL को मिस ना कीजिएगा, UPL अब चलने के लिए तैयार हो रहा है। UPL आपको स्क्रीन पर दिखा, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, ऐसे कुछ डिफेंसिव शेयर्स भी मार्केट के अंदर आपको दिखेंगे। ये हीट मैप से मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा कि बाजार का फ्लेवर और क्लेवर इस समय क्या कह रहा है। आगे बढ़ते, आज के ओपनिंग के सौदे हम आपके सामने रखना शुरू करते हैं, 3 मिनट हो चुके हैं मार्केट को खुले हुए। ठीक है, तो ओपनिंग के ट्रेड की तरफ चलेंगे। फटाफट एक क्विक आपको बता दें कि
मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हो रहा है। ओमेक्स चूंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट ला रही है दिल्ली में, इसके चलते ओमेक्स में तेज़ी है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स के नंबर्स अच्छे आए थे, इनके नतीजे अच्छे आए थे, मार्जिन के, मुनाफे के, आय के सारे वहाँ पर हम बढ़िया वाली तेज़ी देख रहे हैं। इसके अलावा